हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में थार महोत्सव का आयोजन पिछले 10 सालों से नहीं हुआ है। थार महोत्सव का आयोजन नहीं होने के चलते बाड़मेर के लोक कलाकार और विभिन्न प्रतियोगिताएं में हिस्सा लेने वाली प्रतिभाएं निराश हैं। इस आयोजन से स्थानीय लोक कलाकारों प्रतिभाओं को एक मंच मिलता था, लेकिन प्रयासों के अभाव में थार महोत्सव लुप्त होकर रह गया है। बाड़मेर जैसलमेर में आज बुधवार से मरु महोत्सव शुरू हो रहा है। इस महोत्सव को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इसमें राजस्थानी संस्कृति और लोक कलाओं की झलक देखने को मिलती है, लेकिन विडंबना देखिए, बाड़मेर जिले में पिछले 10 सालों से थार महोत्सव का आयोजन नहीं हो रहा है, जिसके चलते यहाँ के लोक कलाकारों को दूसरे जिलों की ओर रुख करना पड़ रहा है। जिम्मेदारी के नाम पर प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधि में नजरें चुराते हैं। मेन जिले के जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन की तरफ से पैरवी ना करने के अभाव में थार के प्रतिभाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं। साथ ही केंद्र और राज्य को सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला जिला अपनी लोक कला संस्कृति में पिछड़ने के साथ पर्यटक स्थलों को भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिला पा रहा है। पूर्व थार श्री इंद्र प्रकाश पुरोहित ने बताया कि जिला प्रशासन पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजकर महोत्सव करवाना चाहे तो निश्चित ही थार महोत्सव का आयोजन संभव है। बाड़मेर का थार महोत्सव चढ़ा उदासीनता की भेंट। पुरोहित ने कहा कि पिछले 100 वर्षों से थार महोत्सव का आयोजन नहीं होने के चलते बाड़मेर के लोक कलाकार और विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाली प्रतिभाएं निराश हैं। इस आयोजन से स्थानीय लोक कलाकारों प्रतिभाओं को एक मंच मिलता था, लेकिन प्रयासों के अभाव में थार महोत्सव लुप्त होकर रह गया है। बाड़मेर कलेक्टर विश्रा मीना ने कहा कि पर्यटन विभाग राज्य भर में महोत्सवों का आयोजन करवाता है, लिहाजा बाड़मेर की मंशा के अनुरूप थार महोत्सव को लेकर पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजकर लिखा है कि 30 मार्च राजस्थान दिवस या फिर 7 मार्च बाड़मेर स्थापना दिवस पर बाड़मेर में थार महोत्सव आयोजन करवाया जाए, जिससे बाड़मेर से जुड़ी संस्कृति कला को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। किसी जमाने में लोगों को थार महोत्सव में भाग लेने का इंतजार होता था, लेकिन अब लोगों को इसके शुरू होने का इंतजार है। इस महोत्सव में राजस्थान ही नहीं देश विदेश से भी लोग आते थे, लेकिन उपेक्षा के चलते थार महोत्सव जहां पहुंच सकता था वहां नहीं पहुंच सका। लेकिन लोगों को इस बार उम्मीद जगी है कि राजस्थान स्थापना दिवस या बाड़मेर स्थापना दिवस पर थार महोत्सव का आयोजन हो सकता है। जागरूक टीवी के बाड़मेर से खास